दोस्तों राम राम साहब, मैं ठाको दोस्त, ठाको भाई, ठाको मित्र कुम सिंह और जय भीम संविधान जनचेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज 135वीं जन्म जयंती है और इसके उपलक्ष में पूरे देश भर में हमारे संविधान रचयिता को पूरी तरीके से जो उन्होंने देश को एकजुटता का जो संविधान बनाया है और पूरा देश आज उस जन्मोत्सव रूप में मना रहा है। इस समय हम नौगढ़ है और देखिए प्यारे प्यारे बच्चे इस तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कैसे हो तो? जन्म जयंती के इस अवसर पर और बच्चों में उत्साह देखें आप और पूरी आपको जन्मोत्सव दिखाएंगे। इस समय जन्मोत्सव तैयारियां बहुत जोरदार है, पुलिस का जाप्ता आप देख रहे हो पूरी तरीके से तैयारी जन्मोत्सव का ये भव्य आयोजन बेटा जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, बहुत देखे पूरा जलसा देखे हमारे धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवलगढ़ में देखिए सर्व समाज के लोगों का जो इस महारैली में जो जुलूस उमड़ रहा है वो आपके समक्ष है। ये प्रेम और संविधान के प्रति आस्था का वो आपके समक्ष नजर आ रहा है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, हम अम्बेडकर वादी है, संघर्षों के आदि है। जय भीम, 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 बाबा साहब के बारे में इतना ही कहूंगा कि हम बाबा साहब के चेले हैं और भारत में सबसे पहले हैं। आज हम ये जो रैली निकाल रहे हैं बाबा साहब के 132वें जन्म दिवस पर, ये अधिकार भी हमारे को हमारे बाबा साहब ने दिया है, बोलने का अधिकार, यहाँ तक है कि पानी पीने का अधिकार भी हमें बाबा साहब के संविधान से मिला है। और उस महामानव के जन्म दिवस के ऊपर उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और कुछ लोग समझते हैं कि बाबा साहब दलित समाज के नेता थे, लेकिन मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब केवल दलित समाज के नेता नहीं थे, बल्कि इस पूरे भारत के अंदर पूरे उस वर्ग के नेता थे जो सच रूपा बना हुआ था, पूछा हुआ था। और विशेष रूप से महिलाओं के लिए बाबा साहब ने जो किया वो अविस्मरणीय है। और मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूंगा कि आपको सुबह उठते ही बाबा साहब के स्मृति चिन्ह पर पुष्प चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज जो यहाँ पर आप हैं, जातक बच्चे हैं, वो सब बाबा साहब की देन है। जय भीम, जय भारत। हमारे साथ में हमारे भाई, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब के बारे में बहुत अच्छा के बीच में पूरा
बनाए हुए संविधान के अनुसार विश्व सुखद लोकतंत्र का सभी पूर्ण के साधन मिले रहे वो आगे बढ़ते रहे। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम सभी जो ढूंढ रहे हैं अम्बेडकर की सुख। जय भीम आज 132वीं बाबा साहब की भव्य भेंट होगी जन्म दिवस पर क्षेत्रवासियों के सभी को जय भीम और शुभकामनाएं। बाबा साहब ने अथक प्रयास के बाद हमें समानता का स्वतंत्रता का अत्याचार के विरुद्ध और एकता का संघर्ष सिखाया। उन्होंने एक संदेश दिया था शिक्षित बनो समृद्ध बनो और आगे बढ़ो। बाबा साहब की इन्हीं की वजह से आज ये समाज लोगों के बीच में सभी सरोसर कर रहे हैं आगे बढ़ रहा है। मैं कामना करता हूँ कि नवर की विधानसभा से जितने भी आए हुए अनुशासन में रहे और बाबा साहब की हमें जो पास मिला है कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी यानी उनकी अंगुलियों का इशारा था कि राज में काबू करो। मैं क्षेत्रवासियों को कहना चाहता हूँ कि आपके मतदान भी जाते हैं आप वोट भी जाते हैं आप इस विधानसभा में आप प्रोसेस में होना चाहिए आपको इस शैली में काम करना चाहिए। और एक धन्यवाद जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। अम्बेडकर जयंती के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई और चिकित्सा विभाग की तरफ से इस पूरी रैली की व्यवस्था के लिए हम इनके साथ रहेंगे और तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपको रिपोर्टिंग के लिए। बाबा साहब के जयंती समारोह पर आपका बहुत बहुत आभार। बाबा साहेब अम्बेडकर की 132वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में नगर में एक शानदार आयोजन जो कि हर वर्ष होता है तो यहाँ पर इस बार सर्व समाज के लोगों ने तय किया है कि बाबा साहब केवल एक समाज की बपोती नहीं है बाबा साहब तो महापुरुष है तो हम सब बाबा साहब के अनुयायी के रूप में आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति बाबा साहब के जन्मोत्सव में रंगा हुआ है। जय भीम 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 जय भीम
बाबा साहब इंदिरा जी अंबेडकर जी की जयंती का बहुत सभी को बहुत बहुत पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम सर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम बहुत बढ़िया चालू है सर आज भीम साहब अंबेडकर की जयंती पर आप सभी को इन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूं आज जो आप ये उत्सव देख रहे हैं देखने लायक है जुनून लोगों का बहुत हार्दिक शुभकामनाएं ये महोत्सव की सभी ग्रामवासियों को और सभी शहरवासियों को सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं टीम राजकुमार शर्मा जी की तरफ से देश के लिए इस पदार्थ को बताने के लिए ऐतिहासिक पल है बाबा साहब के 125वीं जयंती मना रहे हैं हमारे नौजवान के लिए पूरे जिले के लिए सौभाग्य की बात है इस ऐतिहासिक दिवस को हम संभाले रख रहे हैं बहुत बढ़िया संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहे के लिए जय भीम आज बाबा साहब की जयंती में सब उनको बहुत बहुत नमन आज आप देख रहे हो एक बाबा साहब की जयंती में एक महारैली के रूप में लोगों में उत्साह बाबा साहब की बहुत अच्छा माहौल है हमारे पूरे कार्यकर्ता जलपान की पूरी व्यवस्था की गई उत्साह के साथ सब साथ में महारैली तो देख सकते तमाम व्यवस्थाएं भी है और पूरे रंगों में रंगे हुए थैंक यू बहुत बढ़िया तो ये देख पा रहे हैं और अलग अलग रंगों में रंगे हुए सब लोग जय भीम के नारों के बीच में गूंजता और हमारे रतन प्रसाद भाई जय भीम साहब जय भीम राजे जी बहुत हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के जन्मोत्सव में प्रत्येक व्यक्ति भागीदार है देश के संविधान के माध्यम से एकजुटता का जो स्वरूप है क्या कहेंगे बिल्कुल आज जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समानता की जो बात की थी आज सर्व समाज का ये जिम्मेदारी है कि वो समानता की जो बात की थी उसको प्रतिस्थापित करने में अपना योगदान दे और सबको मैं अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस जयंती अवसर पर सबको एक होने के लिए और संकल्प लेना चाहिए कि सब समान एक विस्तृत चर्चा हम आपसे अलग से करेंगे आज इस जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के जन्मोत्सव में देख सकते हैं अलग अलग जत्थों के माध्यम से और विजयपाल भाई जय भीम जय भीम साहब आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती बड़े होश और उल्लास से मना रहे हैं और जो जनता का जो प्यार है वो हर तरह से मुझे और मेरे पूरे टीम को मिलता रहा है मेरे साथ ही छोटा भाई सुनील धावा के जो जोर से है वो भी साथ में है मुझे पीछे कैंपर पे बैठे हुए हैं और मनजीत आदरिया धूम सदन वो भी है आप सभी को मीडिया बंधु को धन्यवाद जो आप लोगों ने लगातार मुझे दिखाने का और मेरे साथ भाईचारा बनाने का प्रयास किया धन्यवाद जय भीम के नारों के बीच में लगातार और हमारी बेटिया जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम हमारे पहले देख सकते हैं आप जय भीम के नारों के साथ में जय भीम जय भीम और हमारे भूखों के भूखों I'm
سيدنا 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 سيدنا
Thank you.
देशवासियों प्रदेशवासियों को नवलगढ़ क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र वासियों को 132वीं की जयंती के उपलक्ष्य में महारैली का आयोजन किया गया। नवलगढ़ 36 कौम द्वारा सभी धर्म जाति ग्रंथ के लोगों द्वारा बेहतरीन शानदार एक नजारा नवलगढ़ के द्वारा देखने को मिल रहा है। सभी 36 कौम के यहाँ मौजूद है। अच्छा लग रहा है बाबा साहब की जयंती में सभी समुदाय के लोगों को देखने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ इस जनता को, सभी समुदाय के लोगों को जिन्होंने बढ़ चढ़ के बाबा साहब की जयंती पे इतना शानदार सहयोग कर रहे हैं। सभी पार्टी के पदाधिकारी जिन्होंने चुनाव में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं सभी के विधायक का जो टिकट से चुनाव लड़ेगा उनका सभी का दिल से गहराई से धन्यवाद, जो अपना अपना सहयोग दे रहे हैं बढ़ चढ़ के। बाबा साहब की 132वीं जयंती आज पूरे विश्व के अंदर मनाई जा रही है। मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब की जयंती की हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे नवलगढ़ की जो बाबा साहब की महारैली है, इसमें पूरा नवलगढ़, 36 बिरादरी, सभी जाति संप्रदाय के लोग इसमें शामिल है और सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और अभी हम अंबेडकर पार्क से आए हैं तो बड़ा मोहल्ला होते आए हैं। जगह जगह मुस्लिम समुदाय अदर समुदाय ने पुष्प वर्षा द्वारा स्वागत किया गया है। बाजार से जो रामदेरा चौक से रैली का आगाज किया गया है वो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई अंबेडकर पार्क पहुंचेगी और शहर के व्यापारी वर्ग द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा की जा रही है। और मैं सभी सहयोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि कई लोगों ने पानी की व्यवस्था की है, कई ने कुछ फ्रूट की व्यवस्था की है, कईयों ने कुछ व्यवस्था की है। और मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया बंधुओं का
जिन्होंने इस रैली को कवरेज किया और 15 दिन से लगातार कवरेज कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी बुर्के साहब। पूरे हम पूरे हरे रंग में नीले रंग में रंगे हुए, आप मतलब छापा गया आपका छापा एक बार लगा तो उसके बाद नहीं लगाया। और ये यूनिवर्सिटी खेवड़िया, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। आप बिल्कुल जी की जन्मोत्सव मना रहे आपा के बारे में बोलो दोस्तों। देखो डॉक्टर बाबा साहब भीम अम्बेडकर ने जो भी पिछड़ों के लिए जो दिया है वो आज किसी से भी बुला नहीं जा सकता, और इसको बचाए रखने के लिए आप उन सबको संघर्ष करना चाहिए आज, और इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए जो आज लड़ रहे हैं। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम के। और तमाम लोगों में आप देख रहे हैं आगे भी जत्था चल रहा है, आगे भी जत्था है, उनको भी दिखा देते हैं। जय भीम जय भीम जय भीम। राजपाल शर्मा जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगाना शांति रहो, 132वां जन्मोत्सव मना रहे हैं हम सब लोग आज नवलगढ़ में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ। बाबा साहब का 132वां जन्म जयंती हम लोग सब मिलके मना रहे हैं। मैं पूरे नवलगढ़ की ओर से हमारे तमाम पार्षदगण, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और नवलगढ़ के लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी की ओर से बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आज नवलगढ़ में जिस उत्साह के साथ इसको त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है, वैसे ही पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और देश के साथ साथ पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ये भारत देश के लिए बहुत बड़ी गौरवान्वित बात है। बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी बात वो कह के गए और बहुत बड़ा एक अधिकार वो दे के गए। वो कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। और जिस देश में सबको समान समझा जाएगा वो देश हमेशा उन्नति करेगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने एक ही बात कही है कि आप शिक्षित बनो, और जो परिवार शिक्षित बन गया, मैं कह रहा हूँ कि एक एक परिवार से शिक्षित होने से पूरा प्रदेश, पूरा देश शिक्षित बनेगा। और जब शिक्षा जिस व्यक्ति ने हासिल की तो वो अच्छा और बुरा पहचानने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए मैं उन्हें बाबा साहब का आभार व्यक्त करता हूँ और ढेर सारी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम। आज बाबा साहब भीमराव का जन्मदिन उत्सव हम हर्षोल्लास से मनाते हैं। बाबा साहब भीमराव के मिशन को हम लोग पूरा करने का संकल्प लेते हैं, सबको शिक्षित करेंगे, बालिका महिला शिक्षा को बढ़ावा देंगे, कुरीतियां छोड़ेंगे, नशा मुक्त समाज का निर्माण करेंगे, भाईचारा रखेंगे और हमारे देश को, हमारे भारत की पावन भूमि को हम संगठित करके एक करेंगे। जगत गुरु विश्व को हम पुनः इस देश को जगत गुरु की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। ये बाबा साहब का मिशन है कि हम सबको शिक्षित करें, सब संगठित रहे और सब संघर्ष करें। जय हिंद जय भारत जय भीम। बिल्कुल, आज हम लोग जिस उत्साह के साथ में भीमोत्सव पूरे देश भर में संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति इस जन्मोत्सव में शामिल है। और एक बार बोल दिया जाए, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को जो गरीबों के मसीहा भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा उनकी 132वीं जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आप जो देख रहे हो महारैला, हमारा एक ही मकसद था कि पूरे समाज को एक मंच में लाने का। निश्चित हम अपने मकसद में कामयाब हुए हैं और हमने अपने समाज को संगठित किया है। जय संविधान जय भारत। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव बताओ आज
बाबा साहब की 132 बहुत बड़ा नागरिक में सैलाब चल रहा है और बाबा साहब की बहुत ही सैलाब निभाते हैं उन्होंने उन्होंने इन समाज सुधारकों को गरीबों को दलितों को पीड़ितों को खूब ज्यादा उन्होंने आगे बढ़ाया एक सौ बत्तीस जन्मोत्सव का भलाई और घर से हम हर घर से बाहर निकले हैं और दलित वर्ग जो है वो इस बात से बहुत प्रसन्न है कि मोदी जी ने आज का प्रकाश घोषित के रास्ते और पंचतीर्थ के रूप में जो डेवलप किया था उसके लिए भी लोग बहुत खुले मन से प्रशंसा कर रहे हैं। भारत रत्न प्रदान किया भारतीय जनता पार्टी शासन में, इस बात को लेकर भी बड़ी प्रसन्नता है। बहुत बढ़िया दलित और वंचितों के हक के लिए इन्होंने जो लड़ाई लड़ी जो लड़ाई जो है आज एक परिणाम के रूप में आपको हमको देखने के लिए मिलेगी। एक अखंड भारत की रचना का एक दौर, एक अखंड भारत की जो परिकल्पना थी वो साकार हुई है और कहीं ना कहीं जो वंचित जो लोग थे उन्हें अवसर मिला है। बहुत बढ़िया, हमारे साथ अखंड छात्र देख रहे हैं कि लोग बड़े उत्साह में और इस रैली का पूर्ण फूलों की वर्षा के साथ स्वागत कर रहे हैं। फूलों की वर्षा के साथ भी आप देख रहे हैं, फूलों की वर्षा के साथ में भी स्वागत का दौर है अलग अलग स्थानों पर। आगे रहा का ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समारोह पूरी तरीके से आगे जाने आज अंबेडकर जयंती की शोभा यात्रा निकल रही है जिसमें लोहलगढ़ समाज के सभी प्रबुद्ध जन शामिल हैं। मैं इस अवसर पर कामना करता हूं कि ये देश जो समरसता का देश है वो समरसता कायम रहे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलने का प्रयास सभी लोग करें। कोई तरीके से शामिल है प्रत्येक शहर के लोग हमारा बाबा एक मिलाए गणेश है क्या क्या नंबर है बाबा साहब एक मिलाए गणेश बाबा साहब थे ऐसे बाबा साहब एक ही मिलाए गणेश जाने वाले अनेक भागीदार है तमाम पार्टियों के लोग तमाम पार्टी बोलो बोलो सबसे पहले सभी साथियों मेरा क्रांतिकारी जय भीम
जैसे कि साथियों आप देख रहे हैं, आज 14 अप्रैल बाबा साहब जयंती मनाई जा रही है, लोगों में हर सुरक्षा के साथ मनाया जा रहा है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि बाबा साहब जैसे महान हथियार ने हमारे देश भारत के अंदर जन्म लिया है और जिन्होंने भारत को एक बनाए रखा। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। जय भीम के नारे की गूंज आप देखिए। और ये पुष्प वर्षा के माध्यम से स्वागत करते हैं। आगे दिखा 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 बहुत बढ़िया। आज अम्बेडकर जयंती पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार रैली का आयोजन किया जा रहा है सर्व समाज के द्वारा, और अम्बेडकर के विचार हम सब लोगों को जीवन में उतारने की आज के दिन जरूरत है। मात्र रैली करने से ही अपना उद्देश्य हल नहीं होगा। जब तक इनको अपन पढ़ेंगे नहीं, इनके विचारों को जानेंगे नहीं और उनको आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक इस रैली का कोई महत्व नहीं है। इसी विचारों के साथ हेलो नवलगढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जी ने कि बाबा साहब के विचारों को पहले आप समझे और आत्मसात करें बच्चों को, और बच्चों को और इन विचारों को आत्मसात करें आप। ये बहुत अच्छा मैसेज है। और आप देख रहे हैं कि ये बालिकाएं, हमारे कैमरा सर जरा दिखाएं, ये बालिकाएं भी आप इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रैली में शामिल है। और प्रत्येक चेहरा आप देख रहे हैं किस उत्साह के साथ में, प्रत्येक चेहरा आप देख रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर इस समय।
से ना चाहिए Let's go.
Thank you.
132वीं जयंती के उपलक्ष्य में लोगों ने बहुत भारी रैला निकल रहा है बाबा साहब अम्बेडकर के और सब समाज के लोग इसमें सम्मिलित है और बाबा साहब सबका बाबा साहब है। भीमराव अम्बेडकर ने देश के लिए बहुत काम किया और पूरे देश के लिए विश्व के लिए आज पूरी जयंती पूरे देश में विश्व में भी उनकी जयंती मनाई जा रही है बाबा साहब।
करे मैं तो कर ही बोली। जय जय जय।
अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, जय 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 भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम Yeah!
ये वीडियो बनाओ अरे बस अरे गांजो में जाके रुक जाओ क्या भागो बना वीडियो बन रही है रुक जाओ आराम आराम से कछुआ Yeah.
हर नाम की गंदगी दिमाग में रहेगी तब तक देश का विकास असंभव है। आओ मिलकर इसे साफ करें।
ਕੇ ਮੱਤਰਾ।